सोनभद्र में हुए नरसंहार के बाद 15 घायलों से डीएम आज मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना और उनसे मामले की जानकारी भी ली। वहीं पीड़ित का कहना है कि ये मामला नोटबंदी के बाद से शुरू हुआ है, जहां गांव का प्रधान इसमें शामिल है, जिसके चलते आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। वहीं पीड़ितों से मिलने पहुंचे डीएम ने बताया कि आज हम लोग यहां भर्ती 15 घायलों से मिलने आए थे, जिनका यहां आयुष्मान कार्ड भी बनवाया गया है और प्रशासन इस पर अपना पूरा ध्यान दे रहा है। अभी नहीं जानते हैं कब से जो है वो कॉपरेटिव फार्म है, कब से क्या है, ठीक है। और रही बात अभी विवादी बात जो झगड़ा है, ये जब नोटबंदी हुआ है तब से जो है विवाद चल रहा है प्रधान साथी इसको। उसके बाद से अब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जिला प्रशासन मदद कर रहा है। जी जी कर रहा है। दवाई कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत तो सर हमको कोई नहीं है, आज हम लोग यहाँ पे घायलों से मिलने यहाँ पे जिला अस्पताल आए थे। यहाँ पे लोग 15 मरीज यहाँ पे भर्ती है जो पीड़ित पक्ष के हैं, उनका सभी का सही से उपचार कराया जा रहा है। उनकी दवाई की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और समस्त प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इन सभी का आयुष्मान भारत कार्ड भी बनवाया गया है और यहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधा देने का। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ।